हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू बीटीसी स्ट्रैटेजी वीडियो। तो अभी तक मैं आपको बता था इंट्राडे स्ट्रैटेजी, पर आज मैं बताने वाला हूँ आपको एक सिंपल बीटीसी स्ट्रैटेजी। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये जो स्ट्रैटेजी है वो बीटीसी स्ट्रैटेजी जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। प्लस आज की वीडियो की सबसे बेस्ट बात है, मैं आपको पाइथन में कैसे बैक टेस्ट करता हूँ वो सब कुछ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैंने डेटा डाउनलोड किया है, डेटा डाउनलोड करने के बाद बैक टेस्ट कैसे करना है, फिर विजुअलाइज कैसे करना है, सब कुछ शेयर करूँगा। प्लस ये वीडियो को 500 लाइक आते हैं तो मैं पाइथन की पूरी फाइल आपके साथ शेयर करूंगा, तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चलो आते हैं मेन हमें बीटीएसटी की वीडियो पे। तो सबसे पहले समझते हैं बीटीएसटी करना क्यों है। तो देखो, इंट्राडे में अपन इंट्राडे स्ट्रैटेजी आपको सब बताया मैंने। तो इंट्राडे में क्या, अपना कैपिटल कब डिप्लॉय होता है, 9:15 से लेके 9:15 को अपन मार्केट स्टार्ट होता है, तो अपन वहाँ ना डिप्लॉय करते 9:20 के बाद ये करते हैं, कोई भी कैपिटल डिप्लॉय करते हैं। फिर उसके बाद अपना एग्जिट कब करते हैं अपन, 3:15 के पहले। तो इसके बाद, इसके पहले और इसके बाद अपना कैपिटल ऐसे ही डीमैट अकाउंट में बढ़ा रहता है, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी है। तो बेसिकली ये स्ट्रैटेजी में करने क्या वाले हैं अपन, तो 3:15 के बाद हम बीटीसी स्कैनर रन करेंगे, स्टॉक्स फाइंड करेंगे और कोई भी पास स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट नहीं करेंगे, इसमें ट्रेड लेंगे बीटीसी का। तो आज लेके जब भी अगला नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें हम सेल कर देंगे। ये होता है सिंपल बीटीसी स्ट्रैटेजी का रीज़न, जिससे क्या होगा कि हमारा रिटर्न इम्प्रूव होगा और यहाँ पर हमारे जो ड्रॉडाउन वगैरह जब भी कंबाइन करेंगे इससे कम हो जाएंगे। तो ये एक बेसिक रीज़न है बीटीसी स्ट्रैटेजी करने का। अभी आते हैं मेन समझते बीटीसी। तो इसमें दो चीज़ें सबसे इम्पोर्टेंट, एक है पीटीएसटी, जो बीटी जो है उसका बीटीएसटी का बीटी वो है बाय टुडे। तो बाय टुडे है क्या, तो लाइक देखो, हम कैपिटल डिप्लॉय करने वाले 9:20 से लेके 3:15 तक, जो कि है 15:15। तो हम क्या कर सकते, 3:15 से लेके 3:30 ये टाइम पीरियड में हम कोई भी स्टॉक बाय कर सकते हैं, और इसे हम ये 15 मिनट्स का विंडो मिलेगा यहाँ पे बाय करना हमें, और इसे हम अगले दिन सेल टुमारो, अगले दिन या अगले सेशन जो भी अवेलेबल ट्रेडिंग सेशन रहेगा उसमें सेल करेंगे। तो सेल कब करना है, तो हमें 9:15 से 9:20 ये 5 मिनट का विंडो में हमें सेल करना है। तो ये सिंपल सा फंडा है बीटीसी स्ट्रैटेजी का। तो ये क्यों करते हैं, क्योंकि मार्केट में हमेशा गैप अप गैप डाउन आते हैं, तो ये चीज़ का बेनिफिट उठाने के लिए हम ये डिप्लॉय करते हैं, जिससे जब भी गैप अप गैप डाउन आएगा तो वहाँ पे वो उसका रिटर्न हम हमारा ओवरऑल रिटर्न से इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक फंडा है बीटीसी स्ट्रैटेजी करने का। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें। तो हमारे दो सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज है, एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की सीरीज और दूसरा है ऑप्शन लर्निंग की सीरीज। तो देखो, ये ऑप्शन लर्निंग की सीरीज है, जो पार्थ मेरा कलीग है ऑप्शन लर्निंग के वीडियोस बनाता है अलग अलग, तो उसमें बेसिकली वो बड़े बड़े लंबे लंबे वीडियोस बनाता है जिसमें इन डेप्थ सारे नॉलेज आपको साथ शेयर करता है। रिसेंटली अभी अपलोड किया था उसने मास्टरिंग ट्रायंगल इन वन वीडियो, जिसमें ट्रायंगल के सारे डाउट, सारे सिस्टम कैसे हेज करना सब कुछ शेयर किया। तो जाके ज़रूर देखें, जिससे आपका लर्निंग बहुत इंप्रूव होगा। फिर नेक्स्ट आती है अपनी ये स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको रेडीमेड स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ, जिससे आप एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग कर सकते हो और खुद जाके बैक टेस्ट कर सकते हो। तो ये इसके सारे वीडियो देख सकते हो और आप खुद से अपनी स्ट्रैटेजी भी बिल्ड कर सकते हो। और इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट बात, आपको ऐसे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस, अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो अभी आते हैं बीटीसी स्कैनर पर। तो बेसिकली दो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर देखो, एक है ये जो अपना प्रीवियस कंडीशन का सबसे इंपॉर्टेंट दो पार्ट ही है। तो इसमें देखो, सबसे पहला कंडीशन क्या है, तो ओपन इज ग्रेटर देन प्रीवियस क्लोज। इससे क्या समझना, हमारा गैप अप ओपनिंग हुआ है कि नहीं। गैप अप ओपनिंग हुआ है मतलब मार्केट में जो भी स्टॉक क्या आने वाला है उसमें मोमेंटम है। तो इससे ये बेसिक चीज समझती है। फिर सेकेंड आता है ओपन इक्वल्स टू लो। तो इससे क्या समझो कि अपना मार्केट ओपन हुआ और ऊपर हाई बनाया उसने, नीचे कभी ओपन के नीचे आया ही नहीं, मतलब क्या मोमेंट इतना मोमेंटम था कि ओपन से ही अपना बाइंग स्टार्ट हुई और उसमें एक हायर हाई बनते गए। तो ये बेसिक फंडा है ये दो क्राइटेरियाज का। फिर ये जो भी क्राइटेरियाज है, एक सिंपल लिक्विडिटी चेक करने के लिए और यहाँ पर चेक करने के लिए मार्केट का जो भी स्टॉक है उसमें मोमेंटम कैसा है, तो उसके लिए यूज़ कर रहे सिंपल मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर ये सिंपल मूविंग एवरेज का है। फिर सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे ये
जो है सीसीआई इंडेक्स। तो सीसीआई इंडेक्स क्या है? कॉमन कम्युनिटी चैनल इंडेक्स, सॉरी कॉमन नहीं, कम्युनिटी चैनल इंडेक्स। तो कम्युनिटी चैनल इंडेक्स क्या है? एक मोमेंटम इंडिकेटर है जिसे यूज करके हम देख रहे हैं कि मार्केट का जो भी स्टॉक है उसमें मोमेंटम है क्या नहीं, जिससे हम उस स्टॉक में बीटीसी ट्रेड ले पाए। यही बेसिक फंडा है सीसीआई इंडेक्स का। और आपको और अच्छे से समझना होगा तो मैंने इसके लिए अपना ये कमोडिटी अपना इन्वेस्टोपीडिया पे देखा था और यहाँ पे ये आर्टिकल को रेफर किया, तो आप इसको देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। चलो अभी सबसे फेवरेट टॉपिक सबका बैक टेस्टिंग पे आते हैं। तो बैक टेस्टिंग मैंने देखो करता हूँ पाइथन पे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि कैसे मैं जुपिटर नोटबुक से अपना पाइथन यूज करके बैक टेस्ट करता हूँ। तो बेसिकली देखो, जिसको पाइथन आता है वो देख सकता है, नहीं आता है तो उसे समझने का ट्राई कीजिए। ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी में इसमें टेक्निकल्स में जाने नहीं वाला हूँ। तो चलिए आगे आते हैं अभी। तो बेसिकली यहाँ पे सब मैंने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लिए हैं जिससे हम जो भी टास्क है वो कर पाए। तो फिर यहाँ पे आता है सेकेंड पार्ट, बैक टेस्ट रिजल्ट पार्ट, जहाँ पे मैंने ये सैम्पल CSV, जो भी CSV मिली है, तो ये CSV कहाँ से मिली वो देखते हैं। तो देखो, जहाँ पे जब अपन बैक टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे अपने को 9 मंथ का डेटा मिलता है। तो 9 मंथ का मैंने डाउनलोड CSV किया और यही डाउनलोड CSV मैंने यूज़ कर रहा हूँ बैक टेस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे बैक टेस्ट BTS सैम्पल टेक्निकल एनालिसिस स्कैनर CSV, तो यहाँ पे जो स्कैन है वो स्टॉक का बैक टेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे उसको पांडास के डेटा फ्रेम में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिर बाद में याहू फाइनेंस से मैंने क्या किया, सिंपल ये डेटा पूरा डाउनलोड कर लिया, जितने भी स्टॉक्स हैं उनका डेटा डाउनलोड किया और बैक टेस्ट डेटा करके BTST डेटा में मैंने अपलोड कर दिया। ये सिंपल सा फंडा था। फिर बाद में मैंने क्या किया, सिंपल देखो अभी यहाँ पे हम बैक टेस्ट के इसमें जाओगे, कभी कभी ये स्कैनर आपको बहुत सारे स्कैनर ये प्रोवाइड करेंगे स्टॉक्स, तो हम 25-30 स्टॉक्स में तो ट्रेड नहीं ले सकते। तो उसके लिए क्या करना है, देखो जो भी जिसमें सबसे स्ट्रांगेस्ट मोमेंट है वो स्टॉक्स में हमें एंट्री लेंगे। तो ये बेसिक फंडा था। तो इसके लिए ये यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे परसेंटेज चेंज। तो यहाँ पे बैक टेस्ट कर मतलब जो डेटा आया है CSV के उसमें, तो वहाँ पे एक परसेंटेज चेंज का कॉलम लिया है, जिससे क्या होगा जो टॉप 5 जिसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज चेंज है वो हम उसमें ट्रेड लेंगे बेसिक फंडा। तो देखो ये वाले चीज़ में जाते हैं, यहाँ पे तो नहीं अवेलेबल रहेंगे। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 4 ही है, तो 4 अपन ट्रेड ले सकते हैं। तो इसमें देखो परसेंटेजेस 20, 7, 7 और 7.57। तो इसमें जितना ही परसेंटेज चेंज था, जो टॉप आएगा जैसे हमें 20 आए, जो टॉप 5 है उसमें वही कलेक्ट करेंगे। ये बेसिक फंडामेंटल रीज़न है यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन का। तो उसके लिए मैंने ये परसेंटेज चेंज कॉलम ऐड किया है। तो ये बैक टेस्ट करेंगे। बैक टेस्ट देखो, मैंने ओवरऑल कैपिटल रखा है 1 लाख का और इसमें मैं डायनामिक पोजिशन साइजिंग नहीं रख रहा हूँ क्योंकि इससे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, मैं उसमें वो नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल ओवरऑल कैपिटल 1 लाख का रखा है और बैक टेस्ट कर रहा हूँ। ये BT.backtest ये मेरी खुद का बनाए हुए बैक टेस्टिंग लाइब्रेरी है जो 500 लाइक्स आने के बाद मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपल एक फॉर लूप लगा के मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे ओवरऑल अराउंड 9 मंथ्स का डेटा था, इसमें प्रॉफिट देखिए अराउंड 78,000 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें टोटल ट्रेड लिए हमने 272 ट्रेड्स, इसमें 245 ट्रेड्स हमारे पॉजिटिव रहे, 75% अपना पॉजिटिव विन रेशियो है। और यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस देखेंगे तो यहाँ पे अराउंड 50,000 का लॉस है, वेरस प्रॉफिट हमारा 94,000 का है। सबसे मेन बात यहाँ पे विन रेशियो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, सॉरी यहाँ पे विन रेशियो और इसका रिवॉर्ड रिस्क रिवॉर्ड लाइक 1:1.6 है, जो कि अच्छा खासा विन रेशियो है, रिस्क रिवॉर्ड है, पर विन रेशियो अच्छा होने के कारण यहाँ पे हम अच्छा खासा प्रॉफिटेबल है। तो अब समझ लिए बैक टेस्ट, अभी इसको समझते विजुअलाइज करके कि कैसे दिखता है हमारा इक्विटी कर्व वगैरह सब। तो सेम यहाँ पे मैंने जो बैक टेस्ट किया था तो ये वाले पाथ पे मैंने सेव किया, वापस से मैंने यहाँ पे डेटा रीड किया और यहाँ पे इसको पांडास के डेटा फ्रेम में लोड किया। गाइस कोई सीन नहीं है, आप आराम से समझ सकते हो, पांडास एक डेटा फ्रेम है बस। आपको समझ नहीं आ रहा यहाँ पे, अगले वाले पार्ट पे आते सीधा। हाँ, तो बैक टेस्ट के डेटा किया मैंने, उसके 20 लाइंस फर्स्ट प्रिंट किया जिससे समझेगा कि क्या क्या प्रिंट हो रहा वगैरह। तो देखो पहला अपना HIT टेक कॉर्प में अपने ट्रेड लिया था 11 नवंबर में लिया था और 12 नवंबर को अपन एग्जिट किया। यहाँ पे सब उसका PNL वगैरह परसेंटेज वगैरह सब है, ठीक है। तो अभी आते हैं बैक टेस्टिंग का रनिंग टोटल। तो हम 1 लाख के कैपिटल पे कर रहे हैं और यहाँ पे अपन 1 लाख के कैपिटल पे इक्विटी कर्व वगैरह सब ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे बैक टेस्टिंग डेटा जो आप पहले आपको बताया वही है, फिर इक्विटी डेटा बता दो। तो यहाँ पे ये कुछ काम करें, हाँ ये डिस्प्ले दिखा दो। तो देखो इसमें टोटल रिटर्न जनरेट हुआ अपने 77% के इन 9 मंथ्स के टाइम फ्रेम पे।
अपना ओवरऑल सीएजीआर है 147% और शार्प रेशियो अपना देखो 10 का है जो कि बहुत अच्छा है, और यहाँ पे मैक्स ड्रॉडाउन देखो -2.34% का, बहुत छोटा छोटा ड्रॉडाउन है। तो यहाँ पे टोटल ये देखना, देखो अपना इक्विटी का बहुत ही शार्प 45 डिग्री का है जो कि बहुत बेस्ट कवर रहता है कोई भी इक्विटी अल्गो ट्रेडिंग या कोई भी स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करने के लिए। तो यहाँ पे इसका अपना मंथ ऑन मंथ रिटर्न डिस्प्ले कर रहे हैं। तो अपना नवंबर में स्टार्ट हुआ था, नवंबर में इसने 2.5% दिया, फिर दिसंबर में 11%, 16%, 1%, 12%, 11%, कंटिन्यूसली यहाँ पे अपने को रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। और सबसे लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं कि अपना स्ट्रिक कैसा है। इसमें देखो विनिंग स्ट्रिक है 19 की, वेयर लूजिंग स्ट्रिक है 4 की। सबसे मेन बात ये स्ट्रैटेजी का ये देखो, अभी अभी आपको रिसेंटली पता है मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो डाउन ट्रेंड में देखो कि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स मिला है, वेयर जब मार्केट में अप ट्रेंड था जो कि अराउंड नवंबर से दिसंबर के टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टॉक्स कैसे बढ़ गए। तो ये डायनामिकली अडेप्ट करता है, जैसे मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा ना तो यहाँ पे आपको कम स्टॉक्स रहेंगे, वेयर मार्केट में अप ट्रेंड है तो यहाँ पे देखो सब कुछ ज़्यादा स्टॉक्स रहेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कोई भी स्ट्रैटेजी की, तो यहाँ पे वो एक क्राइटेरिया पास कर रही है। तो यहाँ पे आपको बताया मैंने कैसे ये स्ट्रैटेजी वर्क करती वगैरह। अभी सिंपल, तो अगर हमारा एक सिंपल सा मिशन है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक सिस्टमेटिक वे ऑफ ट्रेडिंग समझाना है, तो उसके हेल्प के लिए अब मैं चाहता हूँ कि आप चैनल को लाइक कीजिए और ये जो भी आपके ट्रेडर लोग हैं उनको ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ये कंटेंट ज़्यादा शेयर होगा और ज़्यादा लोग को सिस्टमेटिक वे ऑफ ट्रेडिंग समझेंगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।